जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे तथा ये ज्ञात करेंगे कि इस कुंडली में कौन से ग्रह मारक है, कौन से ग्रह कारक है, किन ग्रहों के कारण इस कुंडली के जातक को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर किस ग्रह के कारण ये ऊंचाइयों को और सफलताओं को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, समय समय पर आपके सामने कुंडली का विश्लेषण करके उसके वीडियो पोस्ट किए जाएंगे ताकि आप स्वयं भी अपनी कुंडली का विश्लेषण आसानी से कर सकें। दोस्तों, आजकल राहु के नाम पर, केतु के नाम पर, शनि, मंगल, इनके नाम पर काफ़ी ज्योतिषियों द्वारा डराया जाता है, पेटने का काम किया जाता है। सभी ज्योतिष ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ज्योतिष ऐसा ज़रूर करते हैं, और कई ज्योतिषों के चक्कर लगाने के बाद भी जातक को अपनी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, इसलिए हमने कुंडली के विश्लेषण की एक सीरीज शुरू की है, जिसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि कुंडली में कौन कौन से ग्रह आपके कारक ग्रह हैं, कौन कौन से मारक ग्रह हैं, और जीवन में उन्नति या अवनति किन ग्रहों के कारण होती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों, ये कुंडली का प्रथम पन्ना है, इसमें नाम हमने हाइड कर दिया है। इनका जो लिंग है वो पुरुष है। जन्मतिथि 25/7/1976 रविवार की है, और समय है 4:45 का, और वाराणसी इनका जन्म स्थान। दोस्तों, यह एक कॉमन चीज़ है, आप कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर कुंडली बनवाएंगे तो ये चीज़ें जो होती है ये पहले पन्ने पर ही सामने आ जाती है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे इसमें तो इनका जो लग्न है वो मिथुन लग्न बताया गया है, और इनका स्वामी जो है बुध है। राशि जो बताई गई है वो मिथुन बताई गई है, और उसका भी स्वामी जो बताया गया है वो बुध बताया गया है। नक्षत्र जो है वो आद्रा का सेकेंड जो चरण होता है वो है, और नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार इसका प्रथम पृष्ठ आपके सामने। अब दोस्तों, इसके दूसरे पन्ने पर आते हैं। दूसरे पन्ने पर हम ये देखेंगे कि ये जो जातक है इसकी कुंडली जो है 3 नंबर अर्थात मिथुन लग्न की है, और इनके लग्न स्थान पर ही चंद्रमा बैठा हुआ है, और इसी कारण से इनकी जो राशि भी है वो मिथुन लग्न की मिथुन राशि मानी जाएगी। मिथुन लग्न है और मिथुन ही राशि। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में यहाँ पर जो भी अंक लिखा होता है, 1 लिखा है 2 लिखा है 3 लिखा है, उसके अनुसार आपका लग्न तय होता है, और चंद्रमा जिस राशि में होता है उसके अनुसार उसकी राशि तय होती है। जैसे मान लो चंद्रमा अगर यहाँ पे 3 की जगह अगर 7 में होता तो इसकी तुला राशि होती, 9 में होता तो इसकी धनु राशि होती। ये एक कॉमन चीज़ है, ये आप अगर आप कुंडली में रुचि लेते हैं तो ये आपको पहले से ही पता होगा। अब हम देखेंगे कि कुंडली का अध्ययन जब हम शुरू करते हैं तो उसमें किन किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कुंडली में लग्न जो होता है वो कौन सा है। लग्न जो है इनका मिथुन लग्न है। अब मिथुन लग्न वालों का हम यहाँ पे लिख देते हैं, इनका जो लग्न है मिथुन, मिथुन लग्न वालों को कौन कौन से ग्रह सपोर्ट करते हैं, यानी कि मिथुन लग्न के लिए कौन कौन से ग्रह कारक ग्रह माने जाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे कि लग्न का स्वामी जो है वो बुध हो गया। पंचम भाव का जो स्वामी है या 7 नंबर लिखा हुआ है तो इसका जो स्वामी हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र, और जो नवम भाव का जो स्वामी है 11 नंबर लिखा हुआ है तो 11 नंबर की जो आपकी जो राशि बनती है वो कुंभ राशि बनती है, और कुंभ राशि का जो स्वामी कहलाता है वो शनि कहलाता है। तो मिथुन लग्न वालों के लिए बुध, शुक्र और शनि, ये 3 जो ग्रह हैं ये इनके कारक ग्रह कहलाएंगे। ये जो त्रिकोण बनता है इसी के अनुसार
हम ये ज्ञात करते हैं कि इस लग्न को कौन कौन से ग्रह सपोर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके जो सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं, जैसे बुध को जो सपोर्ट करते हैं, शुक्र और शनि और बुध, इन तीनों की प्लेसमेंट कहाँ पर है। बुध दूसरे भाव में बैठा हुआ है, शुक्र भी दूसरे भाव में बैठा हुआ है और शनि भी दूसरे भाव में बैठा हुआ है। दूसरा भाव जो कहलाता है वो परिवार का भाव कहलाता है, आपके संचित धन का भाव कहलाता है, आपकी वाणी का भाव कहलाता है। इसके माध्यम से ये देखा जाता है कि समाज में व्यक्ति किस प्रकार के परिवार में उसका जन्म हुआ है, किस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बुध, शुक्र और शनि तीनों विराजित हैं, साथ में सूर्य भी विराजित, ठीक है। अब शनि, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बुध, शुक्र और शनि में से कोई सा ग्रह वक्रीय तो नहीं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपका शुक्र है मार्गी, बुध है मार्गी और शनि भी जो है वो है मार्गी, तो तीनों ग्रह यहाँ पे मार्गी है, यानी कि तीनों ग्रह जो हैं वो काफी अच्छा परिणाम दूसरे भाव में देंगे, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो धन का भाव भी कहलाता है, परिवार का भाव भी कहलाता है और आपकी वाणी का भाव भी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि इस कुंडली के अंदर इनके मार्ग ग्रह कौन कौन से हैं। अब तीन नंबर की कुंडली में चौथा जो घर होता है, मतलब कि कुंडली से जो दूसरा ग्रह घर होता है, वो अधिकांश कुंडली में मारक माना जाता है। लग्न से दूसरा ग्रह मारक माना जाता है और अष्टम से दूसरा ग्रह, अष्टम से अष्टम यानी कि नवम, यानी कि नौ नंबर जिसका है, जैसे कि धनु राशि यहाँ पे आ रही है, तो धनु राशि का जो स्वामी है गुरु, वो इसमें मारक का काम करेगा। चंद्रमा को मारक इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, गुरु भी एक शुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए इतना मारक नहीं हो। फिर भी हम ये देखेंगे कि चंद्रमा की जो पोजीशन है, चार नंबर का जो स्वामी है, कर्क राशि आती है, चार नंबर का जो स्वामी है वो कहाँ है, तो वो आपके लग्न में बैठा हुआ है। अब लग्न में बैठने कारण चंद्रमा अपने अच्छे परिणाम के स्वरूप क्या देगा, अच्छे परिणाम के स्वरूप वो देगा, आपको एक अच्छी पर्सनालिटी देगा, आपका जो व्यक्तित्व है वो चंद्रमा के समान चंचल होगा और सुंदरता आपके व्यक्तित्व में छलकेगी। नौ नंबर, ये भी मारक ग्रह है, ये कहाँ पे बैठा हुआ है, ये बारहवें नंबर में, बारहवें भाव में बैठा हुआ है, यानी कि गुरु जो है वो इस कुंडली में सबसे खतरनाक ग्रह बन जाएगा, क्योंकि ये स्वयं मारक है और द्वादश भाव में बैठा हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है उसकी डिग्री कितनी है और गुरु की डिग्री कितनी। सभी राशि की 30 डिग्री होती है, यहाँ पे चंद्रमा जो है मिथुन राशि में है 12 डिग्री का है और गुरु जो है यहाँ पे 2 डिग्री का। अब 1 से 5 डिग्री तक और 29 और 30 डिग्री तक ग्रह अपना काफी कम प्रभाव देते हैं। चंद्रमा का काफी अच्छा यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन चंद्रमा के कारण इनकी चंचलता बढ़ी रहेगी। बुध को और चंद्रमा को आपस में शत्रु भी माना जाता है, इसलिए चंद्रमा के कारण स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की भी दिक्कत इनको आ सकती। तो एक सामान्य विश्लेषण हम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि राहु और केतु की पोजीशन क्या है। दोस्तों राहु जो बैठा हुआ है वो पांचवें घर में बैठा हुआ है और जो केतु बैठा हुआ है वो ग्यारहवें घर में बैठा हुआ है। सातवें नंबर का राहु है, यानी तुला राशि का राहु यहाँ पे है। पहले नंबर का केतु है जो कि आपकी मेष राशि में आता है। तो दोस्तों राहु सप्तम का है और केतु ग्यारहवें भाव का है। अब इस कुंडली में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक योग बन रहा है। अब वो योग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है। काफी लोगों को काल सर्प दोष के बारे में पता है, नहीं पता हो तो फिर भी मैं बता देता हूँ। राहु और केतु के मध्य अगर सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है।
अब राहु के, अब जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर है, तो 7 के बाद 8, 9 ये पूरा खाली जा रहा है केतु, इसके मध्य में कोई सा भी ग्रह नहीं। पर अगर आप केतु से राहु के मध्य चलें तो सभी ग्रह इसके मध्य आ गए हैं। कोई सा भी ग्रह यहाँ से यहाँ तक एक लाइन कीजिए, या तो इस लाइन के इधर या इस लाइन के उधर, सभी ग्रह अगर आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बन जाता है। अगर कोई सा भी ग्रह इस लाइन के इधर आ जाता है, इस राशि में होता, इस राशि में होता, किसी भी राशि में होता, तो काल सर्प दोष नहीं बनता, काल सर्प दोष टूट जाता, भले ही वो चंद्रमा के द्वारा टूटे, मंगल के द्वारा टूटे, किसी के भी द्वारा टूटे, काल सर्प दोष टूट जाता। तो इनकी कुंडली में जो सबसे बड़ा दोष है वो है काल सर्प। दोस्तों जो राहु है वो पंचम भाव में विराजित है, और लग्न का जो स्वामी है बुध, उसका राहु परम मित्र माना जाता है। इसलिए राहु और केतु के द्वारा बनने वाला जो काल सर्प दोष है वो इस कुंडली में इस जातक का सपोर्ट करेगा, हमेशा इसको उन्नति की ओर ले जाएगा। संघर्ष करने के बाद में इन्हें अपनी मनचाही वस्तु अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है कि जो राहु है उसकी जो दृष्टि है वो चंद्रमा पे पड़ रही है, जो नवम दृष्टि है वो चंद्रमा पे पड़ रही है, तो राहु और चंद्र का एक विष योग यहाँ पे बनता है और एक ग्रहण योग यहाँ पे बनता है। उसके कारण जातक को कभी कभी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे एक डर हमेशा जातक के मन में रहेगा, जब भी अमावस्या आएगी या जब भी पूर्णिमा आएगी तो एक प्रकार का भय जातक के मन में हमेशा रहेगा। इसका निदान के लिए राहु के जप इनको करना चाहिए या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। हम और डिटेल में जाते हैं। इस कुंडली में जो दूसरा भाव है, जहाँ पे 4 ग्रह बैठे हुए हैं, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य, यहाँ पे 2 क्रूर ग्रह, एक तो शनि और एक सूर्य, ये दोनों क्रूर ग्रह यहाँ पे विराजित हैं, जिसके कारण इनकी जो वाणी है वो क्रूर हो सकती है, और इन्हीं ग्रहों के कारण परिवार में वाद विवाद हो सकता है। सूर्य और शनि जब भी साथ में होते हैं तो पिता में और पुत्र में कलह निश्चित रूप से होती है। इनके जो पिता होंगे उनसे इनकी कभी नहीं बनने वाली है। दूसरी बात यह है कि जो सूर्य की जो डिग्री है, आप यहाँ पे देखेंगे जो सूर्य की डिग्री है 8 डिग्री है, और जो शनि की डिग्री है वो 12 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। तो डिग्री में भी कोई काफ़ी इतना अंतर नहीं है, 8 डिग्री और 12 डिग्री, मतलब कि कभी सूर्य भारी पड़ेगा, कभी शनि भारी पड़ेगा, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका जो वर्चस्व है वो सूर्य के ऊपर बढ़ता जाएगा। तो भी परिवार के अंदर आपसी मनमुटाव सूर्य और शनि की युति के कारण देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो बुध है, बुध ग्रह जो है उसके कारण सामंजस्य स्थापित हो सकता है, लेकिन सूर्य और शनि की जो युति होती है वो पिता और पुत्र में वाद विवाद करवाती ही है। तो दोस्तों ये इसकी कुंडली का दूसरा माइनस पॉइंट हो गया। पहला हो गया काल सर्प दोष, दूसरा हो गया सूर्य और शनि की युति। अब दोस्तों इनकी चलित कुंडली का भी हम अध्ययन कर लेते हैं। चलित कुंडली में जो शनि है वो यहाँ पे था, और सूर्य जो है यहाँ पे था, वो अगली पिछली राशि में आपके आ चुका है। सूर्य और शनि इस राशि में आ गए हैं, और जो यहाँ पे चंद्र था वो इस भाव में आ गया है। चलित कुंडली के माध्यम से ये देखा जाता है कि उस भाव पर किस ग्रह का और असर देखने को मिल रहा है। अब जो ये इनका जो लग्न है इसमें भी सूर्य आ चुका है और शनि आ चुका है, और ये दोनों क्रूर ग्रह माने जाते हैं। जो इनका जो लग्नेश है वो दूसरे भाव में ही है, लेकिन जो चंद्रमा है वो 12वें भाव में चला गया है। मतलब कि चंद्रमा के कारण इनको अनिद्रा, डरावने स्वप्न या किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी का इनको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम महादशा देखते हैं। महादशा 8/6/2002 से 7/6/2021 तक शनि की चलेगी, और जो अंतरदशा है वो 26/11/2018 से 7/6/2021 तक गुरु की महादशा चलेगी। तो दोस्तों वर्तमान में इनकी शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा में
इनको गुरु की अंतरदशा चल रही है। अब आप देखेंगे कि शनि की जो पोजीशन है वो तो दूसरे भाव में है, पर गुरु की जो पोजीशन है वो 12वें भाव में है। तो 12वें भाव में इनके लग्न का शत्रु विराजमान है, इस कारण से इनके अस्पताल में, कोर्ट कचहरी के अंदर और दूसरे कारणों से इनके पैसे खर्च होने के पूरे योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य संबंधित भी इनको कुछ न कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो गुरु है वो लग्न का शत्रु है, अंतरदशानाथ हमेशा बलवान होता है। और इसके अलावा निद्रा से संबंधित भी इनको कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या खर्चे काफ़ी अधिक हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से पैसे इनके पास टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि खर्चे के योग में गुरु। तो इस प्रकार से हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण किया और इसके अंदर हमने देखा कि इनकी कुंडली में जो माइनस पॉइंट है वो क्या क्या है। सबसे बड़ा जो इनका माइनस पॉइंट है वो ये है कि इनके जो लग्न में है वो चंद्रमा बैठा हुआ है, जो कि एक चंचल ग्रह है। दूसरा इनका माइनस पॉइंट ये है कि राहु और केतु के माध्यम से कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। तीसरा माइनस पॉइंट ये कि जो दूसरा जो भाव है इसके अंदर सूर्य और शनि की युति बनी हुई है। और चौथा माइनस पॉइंट ये है कि इनका जो अंतरदशानाथ है गुरुदेव बृहस्पति, वो 12वें भाव में विराजित है, इस कारण से इनके खर्चे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा हम मंगल की भी अगर बात करें तो जो मंगल है वो तीसरे भाव में है, पराक्रम के भाव में बैठा हुआ है। पराक्रम के भाव में बैठने के कारण साहस में कोई कमी नहीं रहेगी इनके। और जो शुक्र है धनदायक ग्रह है वो दूसरे भाव में बैठा हुआ है, पहले ही हम देख लिया था। तो कुल मिलाकर इनकी कुंडली एक अच्छी कुंडली कह सकते हैं। राहु और केतु का अगर ये निदान कर दें और गुरु के जो अभी जो अंतरदशा चल रही है उसका अगर ये निदान कर दें तो इनकी कुंडली काफ़ी अच्छी कुंडली मानी जाएगी। सूर्य और शनि जो की जो युति जो दूसरे भाव में बनी हुई है उसके लिए भी इनको कुछ ना कुछ जप या फिर कुछ ना कुछ इनको दान अवश्य करना चाहिए। वर्तमान में इनके शनि की महादशा चल रही है और शनि हम अगर देखें तो शनि जो है वो कर्क राशि में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है, 12 डिग्री का है और मार्गीय है, पुष्य नक्षत्र में आ रहा है। पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति कहलाते हैं, साथ में शनिदेव को भी पुष्य नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। तो महादशानाथ का अगर ये रत्न धारण करें, मतलब कि शनि का रत्न अगर ये नीलम धारण करें तो इनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा इनके लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए इनको अपने लग्न का स्वामी बुध, बुध का जो रत्न होता है वो होता है पन्ना, तो इनको पन्ना भी धारण करना चाहिए। पन्ने बुध की हम अगर डिग्री देखें तो बुध की जो डिग्री है वो 18 डिग्री है और वो भी मार्गीय। तो अगर ये शनि का रत्न नीलम और उसके साथ में बुध का रत्न पन्ना अगर धारण कर ले तो इनके जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव आ सकता है और इनकी जो जीवन यात्रा है वो सफलता के शिखर छू सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ये तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें अवश्य कमेंट कीजिए। अगले अंक में आपको ज्योतिष से संबंधित अन्य जानकारियां भी दी जाएगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। Thank you.